गणपति बप्पा ओरिया मंगल मूर्ति ओरिया। यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं रूम में और आधे घंटे में हम लोग को रेडी होके निकलना है खाना खाने के। और आज से खाना खाने के बाद डायरेक्ट निकलने वाले हम लोग आए हैं और यहाँ पे यहाँ पे मारा मार स्टार्ट हो गई है यार। अरे यहाँ पे हम लोग का खाना खाते हो चुके हैं और इस बंदे का पूरा गले की वाट लगी है, बोलने को भी नहीं हो रहा है। ये बंदा रात को 3-3:30 बजे पूरन पोली लाके खा रहा था। आई एम बैंगलोर विजिट करने के लिए हम लोग को फॉरनर्स बोला। सो यहाँ पे हम लोग सभी ने टीवी वालों ने व्हाइट शर्ट और ट्राउजर पहने ब्लैक और बाद में एसवाई और एफवाई वालों का ब्लेजर है। सो सामने जा रहे हैं वो लोग एसवाई वाले, वो लोग का ब्लेजर है और टीवी वालों को सिर्फ शर्ट पहनने को बोला है। सो गाइस राइट नाउ अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं आई एम का एंट्रेंस। ये है एंट्रेंस ऑफ IIM और सामने पूरा कैंपस। ये स्पॉट देख के आपको कुछ समझ आ रहेगा। 5 सितंबर। अरे समझ क्या हो गया इसको, क्या लिख रहा है? ये डेट भूलना मत। सो यही स्पॉट है जो कि 5 सितंबर 10 साल के बाद ये स्पॉट में मिलने वाले थे। 3 इडियट्स का मूवी है। यहाँ भगवान बस इस वायरस को उठा ले। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला था साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले। होंठ घुमाओ सीढ़ी बजा के कौन भैया ग्राउंड और सामने है हॉस्टल। कितना बड़ा ग्राउंड है एज यू कैन सी। कैंपस के अंदर ही आपको यहाँ पे 2 कैंटीन दिख रहे हैं जो कि आप यहाँ पे चिल कर सकते हैं। कैंपस बहुत ही बड़ा है। यह पूरा कॉलेज कैंपस का लेआउट जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या है। बहुत ही बड़ा कैंपस है। तो और ये है कॉलेज का इनबिल्ट कैंटीन जो कि बोलते हैं मेस। और यहाँ पे मूवी में बैठ के खाते समय दिखाया भी था, वो आपको पता रहेगा मूवी का सीन। और ये है लाइब्रेरी ऑफ IIM। और ये छोटू सा ऑडिटोरियम, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम जो कि यहाँ पे छोटे से फंक्शंस कर सकते हैं। मिनी स्टेज है यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं कॉलेज का। और राइट नाउ अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं लाइब्रेरी।
क्लासरूम देख रहे हैं जो कि है लेक्चर रूम, और इमेजिन करो कितना भारी लेक्चर होता रहेगा यहाँ पे। ये स्पॉट पे 3 डेज में डांस किया था उन्होंने लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो हो टोको करके गो, हो टोको करके गो, सीटी बजा के बोल। और यहाँ पे है ऊपर पूरा हॉस्टल जो कि कैंपस में हॉस्टल का भी फैसिलिटी है। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ये है पूरा हॉस्टल। सो दिस इज द प्लेस वेयर द कैरेक्टर रॉय नाम का कैरेक्टर था, वो आइकॉनिक गाना देता था। उसने वैसे इस गाने के बाद सुसाइड कर लिया था। Now we are going towards auditorium. और गाइस ये है ऑडिटोरियम जो कि अभी बंद है फिलहाल, हम लोग को एंट्री नहीं है। और यहाँ पे एक सीन था जो जहाँ पर चतुर रामलिंगम स्पीच देता है, मतलब अपने जो 3 प्रोटैगनिस्ट है उन्होंने वो स्पीच का चेंज करके एक फनी मोमेंट दिया था। फनी मोमेंट नहीं, स्पीच चेंज कर दिया था उन्होंने तीनों ने, और वो स्पीच यही ऑडिटोरियम में शूट हुआ था। हम लोग अभी जस्ट कैंपस घूमते घूमते हम लोग का ग्रुप आके चला गया था और हम लोग पीछे रह गए। हम लोग ये ग्रुप इतना बड़ा कैंपस है, बहुत माला खाए मैं कुटे है। इतना बड़ा कैंपस है और इतना बड़ा कॉलेज है, हम लोग कंफ्यूज हो गए कहाँ पे जाने का। हम लोग दूसरा साइड लिए, यहाँ पे ऑडिटोरियम का एंट्रेंस तो बंद है पर हम लोग के रिक्वेस्ट पे यहाँ पे सेकेंड एंट्री खुला है। ऐसे हम लोग एंट्री करने वाले ऑडिटोरियम में। आदरणीय सभापति महोदया, अतिथि विशेष शिक्षण मंत्री श्री आर.डी. त्रिपति जी और मेरे प्यार सभापति, सो गाइस यही ऑडिटोरियम था जहाँ पे चतुर ने स्पीच दिया था। ये बैक स्टेज, यहाँ से लोग हंस रहे थे और चतुर यहाँ पे खड़े होकर स्पीच दे रहा था। हम लोग ने एंटर किया था सामने रास्ता जा रहा है कार राइट साइड में, वहाँ से एंटर किया था और एग्जिट मारा यहाँ से। मतलब हम लोग ने पूरा ऐसे गोल घूम के कैंपस घूमा है। मतलब इमेजिन करो कितना बड़ा कैंपस है। Oh, my God.